हाँ, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारे जेपी मामा आए थे, तो हम झंडे में वहाँ के बतासे चला के आए थे। तो अभी हम सरकड़े आए मम्मी का गांव। मम्मी ने अब अपना पूरा बचपन यहाँ पर बिताया था, तो मम्मी अभी इंट्रोड्यूस कराएंगे अपना घर। हेलो, तो मम्मी आज हम 20 साल वक्त के बाद अपने घर में आ रहे हैं। तो ये अभी से ये एंट्रेंस है, ये हमारे मामा जी है। आप हाय हेलो बोलिए। हेलो हेलो। सो आप देख सकते हो ये घर है, मेन बहुत पुराना घर है। सो ये वाला रूम है ना मम्मी, एक आपका ये किचन था, ये रूम है। तो अभी हमारे जो मामा जी है वो नोएडा में रहते हैं, तो महीने में या 2 हफ्ते में आते रहते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो। तो मम्मी बता रही है हमारे जो नानी जी हैं उन्होंने बनाया था, हाथ का चूल्हा ये रखा है, आप देख सकते हो। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे नाना जी हैं, तो आप देख सकते हो, ये हमारे नाना जी का फोटो है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, यहाँ पर नीचे पानी भर गया है, तो दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये आप देख सकते हो, ये अंदर का रूम का नजारा। ये आप देख सकते हो, ऊपर लाइट दिखाए, ये देखो पहले। ये मम्मी आप थोड़ा बता सकते हो ये क्या? ये साल की लकड़ी के बने हुए, उस टाइम में ऐसे ही घर बनते थे। ये जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम में ही ये घर बने हुए थे। तो ऑलमोस्ट कम से कम 40 इयर्स हो गया ना? 40 इयर्स, हाँ, 40 50 इयर्स। ऐसे लग रहा है ये हॉन्टेड हाउस है, ऐसे नहीं लग रहा जी मैं हॉन्टेड हाउस में आप कर रहे हैं कुछ? देख सकते हो ये खटिया, ये अम्मा ने बनाई थी, तो अम्मा इसमें सो रही थी। तो मम्मी भी वो भी बताती है ऐसे खटिया थी, खटिया पे सब लोग सोते थे। तो ये भी बनाया गया था मम्मी? तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो, ये मम्मी बता रही है कि ये हमारी जो नानी की जो शादी हुई थी, ये कुर्सी शादी की और ये खाट भी। हम देख सकते, तो आपको दिखाया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये लैम्प बहुत पुराना है। कितने साल पुराना होगा मम्मी? 50 साल पुराना। तो आप देख सकते हो कैरोसिन से चल रहा था, इसमें कॉटन की वो बत्ती चला रहे थे ना? ये अभी नहीं मिलता, बहुत रेयर रेयर पीस। ये आप देख सकते हो, ये देखो ऐसे आती है कॉटन। सो दोस्तों, जेपी मामा तो चला गया, जेपी मामा ने मम्मी को गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन का। आप देख सकते हैं, मम्मी बताओ क्या क्या गिफ्ट दिया है। ये चांदी की कॉइन है, एक चांदी, ये एक उसने अपनी तरफ से दी, एक उसके एक लड़का है उसकी, एक अथर्व है हमारे मामा जी का जो छोटा सा लड़का है, उनका नाम है अथर्व। एक अथर्व की तरफ से एक मामा जी ने दी है। और आप देख सकते हैं मम्मी के लिए एक साड़ी और पापा के लिए एक पैंट और शर्ट का सूट का कपड़ा और पेटीकोट। अच्छा, पेटीकोट भी है। तो ये गिफ्ट देखे गए, हम 5 बहनें हैं, तो भाई हमारा एक है और छोटा भाई है, तो वो सभी बहनों को इतना एक 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 करके देता है, तो सभी को उसने दिया है। सो आप देख सकते हो सारे जो हमारे मम्मी के जो 5 बहन हैं, ज़्यादातर गाजियाबाद साहिबा में, तो ये सब गिफ्ट है। देखो पास से बिल्कुल दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कॉइन है दोस्तों, देख सकते हो। ये अथर्व की तरफ से है, उनका तो छोटा सा लड़का। सो दोस्तों, आज हम आ गए हैं धामपुर अपने घर। तो नानी का घर देख के तो बचपन की याद आ गई, तो बचपन में जब नानी का घर जाता था पूरा चेंजेस हो गया, तो वो चीज़ सब याद आ गई थी। मम्मी को भी अपनी बचपन याद आ गई थी, लेकिन अब मामा जी नोएडा में रहते, तो महीने में 1-2 महीने में एक बार चक्कर काटते हैं, तो उनका सोच है कि चलो मेंटेनेंस करेंगे, शायद आने वाला टाइम में मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे, फिर बाद में पता चलेगा फ्यूचर में कैसा लगेगा नानी का घर।
और फिर बाद में हम लोग घर आ गए और ऑनलाइन से खाना मंगवाया था, खा के सो गए, इतना तगड़ी नींद आई थी। अभी मैं चाय बनाया है, मम्मी भी चाय पी रही है। ये देखिए मम्मी, आपको कैसे लगा घर? हाँ, घर अच्छा लगा। बस अम्मा की याद आ रही थी, घर खाली खाली लग रहा था। तो अम्मा के मतलब एक तरह से नानी की याद आती है, तो बचपन में समर हॉलीडे होते थे तो हम जाते थे, तो वो सब याद आते पल। और बताओ मम्मी, अब तो त्योहार वगैरह सब खत्म हो गए, अब हाँ, त्योहार खत्म हो गया, अब त्योहार आएंगे। आप वेट कर रहे हो नवंती से, नवंती का से मिलने के लिए अगले हफ्ते? अब नवरात्रि का आ जाएगी अगले हफ्ते, फिर गणेश चतुर्थी अपने घर में गणपति बापा का स्वागत करेंगे आप। सो नवंती का अगले हफ्ते आएगी। सो दोस्तों, तो ग्रैंड वेलकम, 2 महीनों हो गए पूरे नानी का घर एंजॉय करके, पूरे हर जगह मतलब नोएडा, मेरठ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए पता नहीं, तो हम बस हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। सो कमेंट में बताएगा कैसा लगा, और इंटरेस्टिंग से आपको कुछ चीज़ में टॉपिक में आपको ब्लॉग व्लॉग चाहिए तो हमें बताइएगा कमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।